अब हमारा टॉपिक है SDH। SDH का मतलब है सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। SDH के अंदर हम SDH के बारे में जानेंगे, SDH की फ्रेम कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है, क्या उसका फ्रेम रहता है और उसकी क्या कैलकुलेशन है, किस प्रकार से डेटा का बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। STM 1, STM 4, STM 16, STM 64, इसकी क्या कैलकुलेशन रहती है। SDH टेक्नोलॉजी STM 64 तक काम करती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके बाद ये क्यों नहीं काम कर पाती, SDH एक लिमिट तक काम करने के बाद में नेक्स्ट क्या इक्विपमेंट आया, उसके बारे में देखेंगे। STM में वर्ड यूज़ होता है पाथ ओवरहेड एंड सेक्शन ओवरहेड। पाथ ओवरहेड क्या होते हैं, सेक्शन ओवरहेड क्या होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। SDH की सिग्नल मैपिंग किस प्रकार से की जाती है, थ्योरेटिकल पार्ट इसका देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं SDH। SDH का मतलब है सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की में हम देखते हैं कि बेसिकली बात यह है कि जो PDH में हमने बात की थी, प्लेजी क्रोनस डिजिटल हायरार्की थी, नियर टू सिंक्रोनाइज था वो। उसमें हर इक्विपमेंट की अपनी अपनी क्लॉक थी, परंतु सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की में ये फंडा नहीं रहता। उसमें एक सेंट्रल क्लॉक रहती है, सभी इक्विपमेंट की जो क्लॉक होती है वो सेंट्रल क्लॉक से सिंक्रोनस होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी को मैच करवाती है। देखिए आपके सामने ये स्लाइड में यही बताया गया है कि सिंक्रोनस में ऑल सिस्टम क्लॉक्स आर सिंक्रोनस विद ए मास्टर क्लॉक, ऑल क्लॉक्स में बी आउट ऑफ फेज बट रन एट सेम फ्रिक्वेंसी, सभी क्लॉक एक ही फ्रिक्वेंसी पर रन करती है। प्लेजी क्रोनस में हर इक्विपमेंट की अपनी अपनी क्लॉक रहती है। एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि TX और RX की जो क्लॉक है वो सिंक्रोनस नहीं होती, वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट क्लॉक होती है। SDH के अंदर हम EU एंड जापान का स्टैंडर्ड है ये सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। इसमें ITU-T के द्वारा जो डिसाइड किया गया था SDH के अंदर, वही ये फंडा इसमें यूज़ किया जाता है। इवन कैरियर के हिसाब से यूज़ करते इसको बनाया गया है। अब इसका बेसिकली हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी पूरा सेटअप क्या रहता है। आप देखिए आपके सामने एक स्लाइड दिखाई दे रही है, इसमें हम STM-1 के बारे में बात करेंगे। STM का मतलब पहले समझे, STM का मतलब होता है सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल। एक फ्रेम जो पूरा हमारा है उसको बोलते हैं STM-1। STM-1 में कितना डेटा जाएगा, क्या स्पीड रहेगी, इसके बारे में देखते हैं। ये पूरा जब पूरा स्टैंडर्ड STM-1 का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो ITU-T के द्वारा रिकमेंड किया गया था, G707। G707 का मतलब होता है कि किसी एक कमेटी के द्वारा एक पेपर पे ये बातें लिख ली जाती है कि भी STM-1 के अंदर ये स्टैंडर्ड रहेंगे, ये पैरामीटर रहेंगे। तो जितनी भी डिजिटल ट्रांसमिशन को चलाने के लिए कंपनियां जो भी इक्विपमेंट बनाती हैं वो उस G707 को मानने के लिए बाउंड होती है। तो ये ITU-T के द्वारा तय किया गया G707 में कि STM-1 में क्या रहेगा। देखिए आपके सामने जो स्लाइड दिखाई गई है इसके अंदर 9 रोज हैं, 9 रो है और 270 कॉलम है, 1 से लेकर 270 कॉलम है और 9 रो है। 9 रो का के अंदर 1 से 9 जो कॉलम है, 1 से लेकर 9 जो कॉलम है, इसमें किसी प्रकार का डेटा नहीं रहता। ये मैनेजमेंट के काम आता है, सिंक्रोनस के काम आता है, सिग्नलिंग के काम आता है। परंतु 11 से लेकर के 270 तक का जो येलो कलर का आपको बॉक्स दिख रहा है, इसमें कंप्लीट डेटा रहता है। इस वाले बॉक्स के अंदर कंप्लीट डेटा रहता है। इसके अंदर ये जो हम ओवरहेड की बात करेंगे, पाथ ओवरहेड की बात करेंगे, सिग्नलिंग ओवरहेड की बात करेंगे, इसके बारे में आगे और डिस्कशन करेंगे। ये पूरा जो STM-1 है उसका मॉड्यूल है, STM-1 का मॉड्यूल का ये बताया गया है कि SOH, POH और कंटेनर। कंटेनर में कंप्लीट डेटा है, कंटेनर में कंप्लीट डेटा है। अब देखिए इसको डिटेल में आगे, और वही सेम जो पिक्चर पहले दिखाई गई थी कि 9 रोज हैं यहाँ से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 270 कॉलम रहेंगे यहाँ से। अब STM फ्रेम की कैलकुलेशन कैसे की गई है वो देखिए आप, कि 270 कॉलम है, 9 रो है। इसमें ये तय रहता है कि ये पूरे का पूरा फ्रेम
यानी कि 270, 9 × 270, 9 × 270, ये पूरे का पूरा वो फ्रेम है, ये 125 माइक्रो सेकेंड के अंदर पास होगा। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा 125 माइक्रो सेकेंड। 125 माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 1/8000। जो टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करें ना हम इसे, 125 माइक्रो सेकेंड को आप ऐसे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड 1/8000, ये 125 माइक्रो सेकेंड के बराबर है। ये पूरा टाइम, पूरा ये पूरा फ्रेम निकले, सिर्फ एक ये वाली लाइन निकलने का टाइम नहीं बता रहे, ये पूरे का पूरा फ्रेम निकलने का जो टाइम है वो 125 माइक्रो सेकेंड है। ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया, जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट बनेंगे उसके अंदर STM-1 का यदि फ्रेम कैलकुलेशन होगी तो ये बिल्कुल फाइनल है। अब कैलकुलेशन कैसे बनी, आपके सामने 9 रो है, 270 कॉलम है, 9 × 270 कर दीजिए तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 19440। यदि 270 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 270 × 9 × 64 मेगाबिट का हमारा, 64 kbps का हमारा बेसिक फंडा है, 64 kbps को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेशन आती है 19,440 × 8000, 155 Mbps। 155 Mbps का मतलब ये हो गया कि STM-1 की कहीं भी बात आती है, STM-1 का मतलब होता है कि उसका जो फ्रेम है, STM-1 का जो फ्रेम है वो 155 Mbps का होगा। E-1 में आपने देखा था 2.048 का था, T-1 में देखा था आपने 1.5 Mbps का था, STM का जो फ्रेम है वो 155 Mbps का है। 155 Mbps की कैलकुलेशन आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि 9 रो है, 270 कॉलम है, 9 × 270 × आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा 64 से तो भी यही कैलकुलेशन आएगी। यदि आप 270 × 9 किया, उसको 8 बिट से करेंगे तो 19440 है, तो 19440 को वापस 8000 से करेंगे तो भी 155 है। किसी प्रकार से कैलकुलेशन करें, 8 बिट ट्रांसफ़र करने हैं। जो एक बॉक्स आपको ये दिख रहा है ना, एक बॉक्स, सिंगल बॉक्स, यानी 270 × 9, जो हमारा ये कैलकुलेशन आई थी, 270 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया, 2430, ये टोटल 2430 कॉलम है, एक जो कॉलम है ये वाला, ये 8 बिट के बराबर होता है, यानी एक बाइट के बराबर होता है, यानी ये एक बाइट है, एक बाइट, दो बाइट, तीन बाइट, एक बाइट के बराबर है। तो यानी कि इसके अंदर टोटल कितनी बाइट होगी, 2430 बाइट हो गई। तो 2430 को यदि आप 64 से मल्टीप्लाई करें तो भी 155 आएगा, 2430 को 8 से मल्टीप्लाई करके 8000 से करें, 8000 क्या था, हमारा पीरियड था, इसमें हमारा टाइम पीरियड है 8000, कि एक फ्रेम को पूरा निकलने के अंदर 125 माइक्रो सेकेंड का टाइम लगता है। तो 125 माइक्रो सेकेंड जो पीरियड है, ये वाला जो टाइम पीरियड है 125 माइक्रो सेकेंड इन 1/8000, तो यदि हम 2430 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं, 64 हमारा बेसिक बिट रेट है, 64 kbps का बिट रेट जो बताया गया है, तो यदि 9 × 270 × 64 से STM-1 की वैल्यू टाइम फ्रेमिंग कैलकुलेशन की गई तो ये हमें मिला कि 155 Mbps का पूरा डेटा पास होता है। अब STM-1 के बाद में यदि हम STM-4 की बात करें, STM-16 की बात करें, STM-64 की बात करें, तो उसको लेकर के देखिए ये कैलकुलेशन है। STM-1 के अंदर 155 Mbps रहेगा, STM-4 रहेगा तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 622 Mbps रहेगा, STM-16 के अंदर 2.5 Gbps रहेगा, इसको मेगा को गीगा में कन्वर्ट कर दिया गया, STM-64 रहेगा तो 10 Gbps रहेगा, यानी कि एक सेकेंड के अंदर 10G डेटा हमारा जा रहा है। ये SDH हायरार्की है, SDH हायरार्की इससे ज़्यादा की स्पीड पे काम नहीं कर सकती है। यदि आपको 10G से ऊपर का सिस्टम चाहिए, आपकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा हो गई है कि 10G से ज़्यादा हमें चाहिए, तो SDH इसमें काम नहीं कर पाए। आपको STM-1, STM-4, STM-16 और STM-64 का मतलब समझ में शायद आ गया होगा। 10G तक हम मैक्सिमम डेटा SDH के थ्रू लेकर के जा सकते हैं। अब SDH की जो वास्तव में सिग्नल मैपिंग है वो किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में आप थोड़ा सा देखना चाहिए। इसमें जो मेनली बात यह कि STM-1 का फ्रेम SDH में जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। अब STM-1 फ्रेम में आपका 1.544 यानी कि T1 है, ये डेटा हो सकता है, 2.048 ये E1 डेटा है, ये भी हो सकता है, 6.312 का डेटा भी हो सकता है, इंडिविजुअल डेटा इतना बड़ा भी हो सकता है कि 139.264 का डेटा भी हो सकता है। जिस भी साइज़ का डेटा हो, कैसा भी डेटा हो, ये पूरा डेटा बन करके जो SDH की सिग्नल मैपिंग वो यही कहलाती है कि जब तक STM-1 का डेटा हो सकता है, STM-1 का डेटा जो हमने अभी बताया है कि वो पूरा डेटा STM-1 नहीं बन पा रहा हो तो खाली भी जा सकता है,
परंतु STM-1 की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ही डेटा वहाँ पे जाएगा। इसमें कुछ टर्म यूज़ की जाती है, जैसे आप जैसे STM में AUG एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ग्रुप होता है, AU एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, VC वर्चुअल कंटेनर रहता है, TUG ट्रिब्यूटरी यूनिट ग्रुप होता है, TU ट्रिब्यूटरी यूनिट होती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास में एक कोरियर एजेंसी से किसी एक प्रकार का एक पैकेट आता है। इसको आप इस एग्जांपल से समझिएगा कि एक छोटा पैकेट है ये, इस छोटे पैकेट के अंदर बहुत कम मात्रा में डेटा है, जबकि हमें यहाँ पे डेटा ज़्यादा मात्रा में लेकर के जाना है। इस थोड़े से डेटा को जैसे ही एक पैकेट आता है, इसके ऊपर ये देखिए कि इस कंटेनर, ये C4 कंटेनर है, छोटा डेटा है, इस कंटेनर के ऊपर जब पेलोड लगता है, इसे कहा जाता है पेलोड, ये जब इसके ऊपर पेलोड लगता है तो ये बन जाता है वर्चुअल कंटेनर। इस कंटेनर के कई कंटेनर मिलकर के, वर्चुअल कंटेनर के मिलकर के, ये है ट्रिब्यूटरी यूनिट। इसमें कई ट्रिब्यूट, इस एक ट्रिब्यूटरी यूनिट के अंदर कई कंटेनर का डेटा होगा। अगर हमारा डेटा बड़ा है तो अलग अलग देखिए ट्रिब्यूटरी यूनिट बनी हुई है, अगर डेटा के साइज़ के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूटरी यूनिट होगी, कई ट्रिब्यूटरी यूनिट मिलकर के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी है TU11, TU12, TU2, इन ट्रिब्यूटरी यूनिट से मिलकर के जो एक बड़ा बॉक्स बनता है जिसे कहा जाता है टग, ये टग बना, इस टग के अंदर इन सभी का डेटा जा रहा है, ये साइज़ के अकॉर्डिंग टग है। अब मान लीजिए कि ये डेटा हमारा बड़ा है ट्रिब्यूटरी, तो एक ही TU से एक टग बन गया। इस वाले टग के अंदर क्या था, तीन ट्रिब्यूटरी यूनिट जा रही थी, परंतु इस टग के अंदर एक ही जा रहा है। अब हो सकता है कि डेटा इतना बड़ा हो, जैसे कि मान लीजिए किसी एक घर का सामान शिफ्ट करना है, पूरे घर का सामान शिफ्ट करना है, एक तो आप सिंपल कोरियर करवा रहे हैं, एक पूरे घर का सामान शिफ्ट कर रहे हैं, तो जैसे ये पूरे का पूरा घर का सामान है, इस केस के अंदर बीच में वर्चुअल कंटेनर या TU की आवश्यकता नहीं है। सीधा इतना डेटा बना कि उस कोरियर एजेंसी को इतना डेटा ले जाने के लिए पूरा कंटेनर उसने उसके घर भेज दिया और पूरे का पूरा डेटा इसके थ्रू चला गया। तो इस पे जो ये ओवरहेड लगे हैं, ओवरहेड का मतलब है उसकी एड्रेसिंग, सिग्नलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, क्या डेटा इसमें और इसे कहाँ तक जाना है, ये इसके अंदर इस बॉक्स में बताया जाता है। ये वर्चुअल कंटेनर बना, ये पूरे के पूरे डेटा इकट्ठा होकर के हमारी इस एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है इसके अंदर आ गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर आ गया। इसके बाद में डेटा हमारा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ग्रुप, यानी कि ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ये बनने के बाद में जो इसका लास्ट फ्रेम बाहर निकला वो बनता है STM-1 का फ्रेम। STM-1 के फ्रेम के अंदर आप पहले देख चुके थे कि STM-1 कैसा रहेगा, 155 MBPS का मान लिया। अब STM-1 है, STM-1 के अंदर ये डेटा जाएगा, STM-64 होगा तो ये यहाँ तक डेटा जाएगा। इसको आप एक और टेक्निक से समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये वर्चुअल कंटेनर है VC, एक कंटेनर ये वाला था, यानी कोरियर एजेंसी, छोटा बॉक्स हम कोरियर करवा रहे हैं, इसके ऊपर जब एड्रेस लिखा गया, जब पूरी चीज़ बताई गई, तो ये बन गया वर्चुअल कंटेनर VC-12। ये VC-12 के ऊपर जो ओवरहेड लगे हैं, पाथ ओवरहेड बोलते हैं इसे, पाथ ओवरहेड इसके ऊपर लगे हैं। इस प्रकार के ये कई पाथ ओवरहेड लगने के बाद में ये वर्चुअल कंटेनर कई हो गए, इकट्ठे हो गए, जैसे एक ये है, एक ये है, एक इधर से आ गया, ये मिलने के बाद में हमारा यह TU बना है। एक प्रकार से तीन TU मिलकर के, तीन TU जब मिले तो हमारा एक टग बन गया, ये वाला एक टग बन गया। इस प्रकार से ये जब टग, लगभग 7 टग मिलकर के एक हमारा ये इस प्रकार से वर्चुअल कंटेनर, इस पे पाथ ओवर हेड भी लग गया, VC कंटेनर भी बन गया, इस प्रकार से कंटेनर बन गया ये वाला। ये कंटेनर फिर VC-4 में जाता है, VC-4 से फिर SDH में STM-1 का डेटा जाता है। अब इसको दोनों पिक्चर पूरा, पहले वाली पिक्चर से भी आप इजीली समझ सकते हैं, इस वाले पिक्चर से भी आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अब बात आती है कि SDH का डेटा हो गया, SDH के अंदर अब नेटवर्क एलिमेंट क्या क्या होंगे। SDH का डेटा आपने टग बनाया, VC बनाया, उसके बाद में क्या क्या जरूरत है। अगर बहुत लंबी लेंथ हो, दो SDH के बीच में यदि लेंथ ज़्यादा होगी, चाहे वो OPGW पे जो हमारा सिग्नल चल रहा है उसकी लेंथ अगर ज़्यादा है, जो STM-N से मतलब है STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 कोई भी डेटा हो सकता है। रीजनरेटर का मतलब होता है कि सिग्नल को रीजनरेट करना, कि जब एक 50 किलोमीटर से सिग्नल आया ट्रैवल करके, तो उसमें कुछ ना कुछ जो लॉसेज होगा, यानी कि एट्यूनेशन होगा, उस एट्यूनेशन को रीजनरेट करना है, एट्यूनेशन को कम करवाना है, तो उसके लिए रीजनरेटर स्टेशन बनाए जाते हैं। तो ये SDH के ये नेटवर्क एलिमेंट है कि रीजनरेटर की आवश्यकता हमें पड़ती है। अब आती है नेक्स्ट का पॉइंट होता है टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर, या पाथ टर्मिनल एलिमेंट भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर ये मतलब होता है कि यदि टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर है, टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर को आप इस पिक्चर से समझिएगा,
इससे समझिएगा। यदि हमारा एक टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर है, ये इसके अंदर STM 64 का डेटा भी डाला जा सकता है, STM 4 का डेटा भी डाला जा सकता है, STM 1 का डेटा भी डाला जा सकता है, 2 Mbps का डेटा भी डाला जा सकता है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिफरेंट डेटा हमारे पास आ रहे हैं, तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर में मैक्सिमम डेटा डालने के बाद जो STM का डेटा निकलेगा वही PDH पे ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट इसकी फैसिलिटी देती है एड एंड ड्रॉप फैसिलिटी। एड एंड ड्रॉप के बारे में पहले भी देख चुके थे। एड एंड ड्रॉप का मतलब ये होता है कि मान लीजिए बीकानेर से कोई सिग्नल चला और वो सिग्नल हमारा जयपुर तक जाना है, रास्ते के अंदर रतनगढ़ में या सीकर में या रिंगस में हमें सिग्नल को उतारना है या सिग्नल को वापस इसमें ऐड करना है। सिग्नल को जब उसमें से निकाला जा रहा है, वापस उतारा जा रहा है, तो उसे कहेंगे ड्रॉप करना, और जो सिग्नल को उसमें वापस जोड़ा जा रहा है, वो नया सिग्नल, उसे कहेंगे ऐड करना। तो बीच में यदि PDH और SDH हमारे लगे हुए हैं, STM 4 का डेटा बीकानेर से चला, STM 4 का डेटा जयपुर जा रहा है, यदि आपको रतनगढ़ से PDH से डेटा डालना है, सीकर से डालना है, रिंगस से डेटा डालना है, तो आप PDH और SDH को लगा करके एड एंड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर यदि आप लगा देते हैं उस स्टेशन पे, तो आप बीकानेर से आने वाले सिग्नल को रतनगढ़ में उतार भी सकते हैं, जयपुर से आने वाले सिग्नल को सीकर का सिग्नल इसमें जोड़ भी सकते हैं और ड्रॉप भी करवा सकते हैं। तो ये एड एंड ड्रॉप फैसिलिटी SDH के अंदर इजीली अवेलेबल होती है। डिजिटल क्रॉस कनेक्ट का मतलब भी वही है जो लास्ट अभी मल्टीप्लेक्सर में देखा, कि आप किसी भी टाइप का सिग्नल, कोई जरूरी नहीं कि STM 1 का ही सिग्नल हो, किसी भी टाइप का सिग्नल हो, 2 Mbps का सिग्नल होगा या 34 Mbps का होगा, 6 Mbps का होगा, इजीली डेटा को आप इसमें डिजिटल क्रॉस कनेक्ट किया जा सकता है। ये पूरी नेटवर्क एलिमेंट देखिए इजीली, या हमारा एक PDH SDH लगा हुआ है, एक इधर PDH SDH लगा हुआ है, इसके बीच का ये पाथ है, ये पाथ हमारा OFC का पाथ है। मान लीजिए मल्टीप्लेक्सर सेक्शन ये वाला रहता है कि इसके अंदर हमें और डेटा डालने हैं तो एड एंड ड्रॉप करने, वो डेटा इजीली डाल सकते हैं। यदि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी ज़्यादा है तो हमने एक रीजनरेटर भी बीच में लगा दिया, तो ये रीजनरेटर सेक्शन हो गया और ये भी रीजनरेटर सेक्शन हो, इधर से आने वाले सेक्शन सिग्नल को भी रीजनरेट करेगा, इधर से आने वाले सिग्नल को भी रीजनरेट करेगा। मल्टीप्लेक्सर सेक्शन का मतलब ये हो, मल्टीप्लेक्स सेक्शन का मतलब ये हो गया कि यदि हमें इसमें सिग्नल और डालने हैं, ऐड करने हैं या ड्रॉप करने हैं, वो भी हम इजीली इसके अंदर ऐड और ड्रॉप कर सकते हैं। सेक्शन ओवरहेड की बात आई थी कि सेक्शन ओवरहेड क्या रहते हैं। सेक्शन ओवरहेड का बेसिकली मतलब रहता है कि ओवरहेड है बेसिकली सेम जॉब एवरीवेयर, जितने भी ओवरहेड हैं सबका एक ही काम होता है, मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना, अलार्म देना, इस प्रकार सिग्नलिंग के जितने भी सर्किटरी है वो इस सेक्शन ओवरहेड में आती है। इन SDH नेटवर्क ओवरहेड आर कपल्ड विद नेटवर्क आर्किटेक्चर टू सिंप्लीफाई द टास्क, उस टास्क को ताकि इजीली उसके ऊपर काम किया जा सके, जो भी आर्किटेक्चर बनाई गई है इजीली उस पर काम हो पाएगा, उसके लिए क्या है मैनेजमेंट के लिए ओवरहेड सेक्शन लगाए जाएंगे इसके ऊपर। अब बात आती है कि SDH के क्या क्या फायदे रहे, क्या क्या नुकसान रहे, कि SDH से भी अब दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ चला जाए। हमने PDS देखा, SDH देखा, कि क्या PDS से नुकसान थे कि वो नियर टू सिंक्रोनाइज था, SDH जो है वो फुल्ली सिंक्रोनाइज सिग्नल है, तो PDS को ड्रॉप करके हमें SDH की तरफ बढ़ना पड़ा। SDH के जो ड्रॉबैक हैं उसके कारण नेक्स्ट किसी और टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, उससे पहले देखिए कि किस प्रकार से ये SDH PDH ने